कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आप सबको श्रावण के पहले सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज ये जो मंत्र अभी मैंने पढ़ा सुनाया आपको, ये शिव की स्तुति है। बहुत गहरा अर्थ छिपा है इस मंत्र में। ये मंत्र कहता है कर्पूर गौरम। कर्पूर गौरम अर्थात कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले शिव के लिए कहा गया है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, शिव को कभी कर्पूर गौर वर्ण वाले हो ऐसा देखा नहीं गया। वो भस्म रमाए रहते हैं अपने शरीर पर, मृत्यु के देवता हैं, श्मशान वासी हैं, गले में मुंडों की माला, बाघांबर छाला पे उनका आसन होता है, अघोरी जैसे दिखाई देते हैं तन पे भस्म रमाए। तो भला कर्पूर गौरम क्यों कहा गया है उन्हें? तो इसका संबंध है शिव के विवाह की घटना से। शिव जी जब पार्वती को ब्याहने चल दिए थे अपने गणों के साथ, जो और भी अधिक भयानक और डरावने थे, अपने तन पे भभूत रमाए, शोर मचाते हुए तरह तरह की आवाजें करते हुए, शिव जी बिहाने चले पाल के सजाई के भभूति रमाई के पाल के सजाई के। हाँ, याद होगा आपको। तो शिव जी अपने उसी रूप में चल दिए पार्वती को ब्याहने। हिमवान और मैना की कन्या थी पार्वती। तो माता मैना ने जब दूल्हे को देखा तो वो तो भयभीत हो गई, आरती की थाली वाली सब वहीं गिर गई और गुस्सा हो गई कि किससे मेरी बेटी का ब्याह किया जा रहा है, इससे ब्याह करने से तो अच्छा है मेरी बेटी कुंवारी रह जाए, जीवन भर अविवाहिता रह जाए आज। तो ये बात फिर शिवजी तक पहुंचाई गई। तो फिर शिवजी ने माता मैना को प्रसन्न किया, मैना कैसे, अपने दिव्य रूप में आकर। जो उनका दिव्य रूप था बहुत ही सौम्य कर्पूर गौर वर्ण वाला। तो माता मैना प्रसन्न हो गई, पार्वती और शिव का विवाह हो गया। तो फिर से देखते हैं इसको, कर्पूर गौरम, कर्पूर समान गौर वर्ण वाले दिव्य स्वरूप के स्वामी, करुणावतारम, करुणा के दया के साक्षात अवतार। कहते हैं ना शिव को संहारक, लेकिन वास्तव में वो तो बहुत ही दयावान है, भोले भंडारी है शिव बाबा। खुद कुछ नहीं करते, सारे अधिकार माँ पार्वती के पास है। वो सिर्फ समाधि लगाए रहते हैं, सोचते हैं, लेकिन कर्म का अधिकार माँ को है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, पूरे संसार के सार है वो, ये सृष्टि चक्र ये क्रम उन्हीं के अधिकार में है। भुजगेन्द्र हारम, और गले में भुजंगों के, नागों के हार, हार के समान नाग उनके गले से लिपटे रहते हैं वासुकी। तो सदा वसंतम हृदयारविंदे, वो शिव सदा जो मेरे मन में, मेरे हृदय अरविंद में, हृदयारविंदे यानी मेरे हृदय कमल में
जो शिव सदा निवास करते हैं, उन शिव को भवानी सहित मेरा नमस्कार। भवम भवानी सहितम नमामि। श्रावण सोमवार की बहुत बहुत सारी शुभकामनाओं सहित विदा लेती हूँ आपसे। अगले सोमवार फिर एक श्रावण सोमवार विशेष प्रस्तुति के साथ हाजिर रहूंगी। नमस्कार।